आजमगढ़ का एक युवक मुंबई की एक कंपनी में मैकेनिक का काम करता था। इसी बीच उसकी एक ब्यूटीशियन से प्रेम हो गया। 3 दिन की मुलाकात के बाद ही दोनों ने शादी कर वहीं रहने लगे। कुछ महीनों के बाद जब युवक मुंबई से अपने घर आजमगढ़ आया तो फिर वापस नहीं गया। इसके बाद ब्यूटीशियन आजमगढ़ आ धमकी और उसने सरामीर थाने में न्याय की गुहार लगाई। मुकदमा दर्ज करने की बात हुई तो युवक व उसके परिजन शादी के लिए तैयार हो गए। दोबारा शादी जिले के भवरनाथ मंदिर में 2 दिन पूर्व हुई। वहीं आज कोर्ट मैरिज की गई। जनपद आजमगढ़ के सरामीर क्षेत्र के फरीउद्दीनपुर गांव निवासी आकाश यादव 1 वर्ष पूर्व काम की तलाश में मुंबई गए थे। एसी मैकेनिक आकाश की मुलाकात काम के दौरान राधिका ठाकुर से हुई। 3 दिन की मुलाकात के बाद ही दोनों ने शादी कर वहीं साथ रहने लगे। आकाश ने राधिका को बड़े बड़े सपने दिखाकर जाल में फंसाया था। 8 महीने के बाद आकाश यादव मुंबई से अपने घर आजमगढ़ आ गया। जब प्रेमिका का फोन आता तो फोन पर अशब्द बोलने के साथ नंबर भी ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद परेशान होकर राधिका मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थना पत्र लेकर राधिका को जिले के सरामीर थाना भेजा गया। पुलिस के साथ राधिका जब प्रेमी के घर पहुंचकर सारी सच्चाई बताई तो परिजनों ने साथ देने की बात कही। जहां आज कोर्ट में मैरिज करने पहुंचे, हाल के दोनों शादी पहले कर चुके हैं। इस कारण नोटरी एक्ट की धारा 13 के तहत प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस दौरान आपको? मुझे तकलीफ का तो ज़्यादा सामना करना पड़ा, बस ठीक है कि सब कुछ सही से हो गया, अभी मुझे खुश हो गया। कितने वर्ष से मतलब आप लोगों का वहाँ रहे हैं अभी आपके साथ जो है? 1 साल से। 1 साल से चल रहा था। मेरा नाम आकाश यादव है। कितने दिन से थी आप लोग संबंध में और कब मुलाकात हुई थी? 1 साल से संबंध। कहाँ मुलाकात हुई थी? मुंबई। तो ये मुंबई से आई हैं आपसे मिलने के लिए? हाँ। और यहीं शादी कर रहे हैं आजमगढ़ कोर्ट में? यस।